चलिए मैं आज आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल इन MySQL एंड क्रिएट डाटाबेस इन MySQL। तो ये MySQL का कमांड लाइन है, यहाँ पर आप लोग अपना पासवर्ड जो भी दिया होगा इंस्टॉल करते वक्त वो डालेंगे और उसके बाद MySQL आपका ओपन हो जाएगा। तो क्रिएट टेबल, पहले मैं क्रिएट डाटाबेस दिखाता हूँ। तो आप लोगों को लिखना है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे देते हैं, जैसे हमारा किसी CSA का डेटाबेस है तो यहाँ पर दे देते हैं CSA, तो CSA का डेटाबेस। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आ गया क्यूरी जीरो, यानी आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस में हम लोगों को पहुँचना है, उसी के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है CSA, तो यहाँ लिखेंगे CSA और डेटाबेस चेंज का मैसेज आ गया। अब दिखाता हूँ ये डेटाबेस हमारा कहाँ है। तो आपको देखने के लिए ये डेटाबेस कहाँ है आप लोग यूज करेंगे शो डेटाबेसेस सेस और इंटर मारेंगे, तो ये आपका सारा डेटाबेस खुल गया। जितने भी डेटाबेस आप बना चुके हैं पहले से इसमें वो आ गया। तो यहाँ आप लोगों को CSA दिख रहा होगा, तो ये CSA का डेटाबेस है। अब हम लोग इसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ टेबल क्रिएट करने के लिखेंगे हम लोग क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम देंगे, जैसे इम्प नाम का एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से नीचे आएंगे, नेक्स्ट लाइन में पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर आएंगे लिखेंगे कॉल्यूम नेम। टेबल में क्या होता है रो और कॉल्यूम, तो पहले कॉल्यूम का नेम लिखते हैं, उसके अंदर जो भी रो इंसर्ट करना होगा वैल्यू वो हम इंसर्ट करेंगे। तो कॉल्यूम नेम पहले किसी भी एम्प्लॉय का नेम होगा, तो यहाँ पर नेम उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग लिखना है उसके अंदर, स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो वेयर कैर एक सेपरेट वीडियो में मैं डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, डेटा टाइप के बारे में। तो वेयर कैर ले लेते हैं, कितना लॉन्ग है 50 कैरेक्टर लॉन्ग लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाना है आप लोगों को, नीचे आ जाना है इंटर करके, फिर यहाँ पर आप लोगों को रोल लिख देना है, रोल नंबर किसी भी एम्प्लॉय का या किसी ट्रेड के स्टूडेंट का। तो यहाँ रोल में आप लोगों को डेटा टाइप इंट ले लेते हैं, उसके अंदर 5 लोगों का 5 दे देते हैं लॉन्ग। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पर ट्रेड दे देते हैं, ट्रेड नाम का एक कॉल्यूम बना लेते हैं। 3 कॉल्यूम में बना रहा हूँ, नेम, रोल और ट्रेड। तो ट्रेड में क्या लेंगे, वही वेयर कैर, ये हमारा डेटा टाइप है। और कितना लॉन्ग चाहिए हम लोगों को, तो 10 लॉन्ग ले लेते हैं। और ये लास्ट लाइन में आप लोगों को कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ कॉमा लगाएंगे तो फिर और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यानी इंट करने से पहले वाले लाइन में कॉमा नहीं लगाना है। इंटर लगाएंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस बंद करेंगे और सेमीकोलन के साथ इंटर दबा देंगे। तो ये मैसेज आ गया आप लोगों को क्वेरी जीरो इफेक्टेड, ये वार्निंग, यानी आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब कैसे पता चलेगा मेरा टेबल क्रिएट हो गया, तो चलिए देखते हैं टेबल मेरा क्या है। तो टेबल का नाम आप लोग याद रखेंगे, इम्प नाम का टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं एक कमांड है SQL में डेस्क, और टेबल का नाम है हमारा इम्प। तो यहाँ डेस्क इम्प और सेमी कॉलन के साथ इंटर दबाएंगे, तो ये आ गया आप लोगों का आउटपुट। ये टेबल आप लोगों का एम्प्लॉय नाम का, ये टेबल इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं किया गया है, इसीलिए ये देख सकते हैं फील्ड यानी कॉलम आपका है नेम, दूसरा है रोल नंबर, तीसरा है ट्रेड, और उसके बाद डेटा टाइप है वेयर कैर 50 लॉन्ग, फिर रोल नंबर इंटीजर 5 लॉन्ग, उसके बाद वेयर कैर ट्रेड 10 लॉन्ग। अभी ये खाली है इसीलिए नल, यस यस डिफॉल्ट नल ये लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंसर्ट इनटू टेबल, इसमें कैसे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।